गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। लास्ट वीडियो में हमने स्विच के बारे में अच्छे से समझा था और लूप्स के बारे में एक ओवरव्यू देखा था। आज हम लूप्स में डिटेल से देखेंगे और प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें फ्लो डायग्राम है व्हाइल लूप का। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये कंडीशन चेक होती है व्हाइल लूप में। कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, ये डायमंड शेप बनती है कंडीशन के लिए। उसके बाद में अगर कंडीशन ट्रू है तब यहाँ पर जो कोड है ब्लॉक रहेगा, एक कोड का एक स्टेटमेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये एग्जीक्यूट होगा और फिर वापस कंडीशन के बस में जाएगा। यहाँ पर बीच में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना है यहाँ पर वो करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से व्हाइल लूप काम करता है। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है tutorialspoint.com, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और यहाँ पर जाके आप आसानी से अपने मोबाइल पर भी, क्योंकि आप सभी अभी घर पर हैं और कंप्यूटर हो सकता है सबके पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप इस वेबसाइट पर जाके यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन ही आप प्रोग्राम को रन करा के देख सकते हैं। तो जैसे कि आपको ये प्रोग्राम दिख रहा है, एस इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम यूजिंग ए नेम नेम स्पेस एस टी डी आई एन टी मैन, या आई एन टी मैन, ये फंक्शन तो हमेशा होता ही है। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल का नाम क्या है, स्मॉल ए। किस टाइप का है, इंट, और इसमें वैल्यू कितनी डाली है, 10। और ये जो लाइन लिखी हुई है वो क्या है, कमेंट। ये जो प्रोग्राम पढ़ेगा, जैसे अपन पढ़ रहे हैं इस टाइम पर, तो अपने समझने के लिए, ये कंप्यूटर के लिए नहीं है। फिर नीचे व्हाइल लूप, व्हाइल लूप के ऊपर भी हमने कमेंट लिखा है, व्हाइल लूप एग्जीक्यूशन समझाने के लिए। तो यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर हमने कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन 20, ए 20 से छोटा होगा तब ये जो कर्ली ब्रेसेज है ये यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक। तो ये जो कोड है यहाँ वाला, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ए क्या छोटा है 20 से, बिल्कुल ए 20 से छोटा है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 10। तो वैल्यू ऑफ ए ऐसा लिखा हुआ प्रिंट होगा, क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है। और फिर जैसे कि मैंने बताया था, एक बार ही सी आउट यूज़ किया है, फिर कैस्केडिंग कर दी हमने, लेस देन और फिर ए की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ ए कोलन और फिर ए की वैल्यू कितनी है, 10, वो प्रिंट हो जाएगी। फिर ए प्लस प्लस नीचे हमने कर दिया है, हमने ए प्लस प्लस कर दिया, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 11। अब क्या हो रहा था, 11 उनके बाद में वापस यहाँ पर जा रहा था, फिर वापस कंडीशन चेक हुई, तो 11 भी 20 से छोटा है तो वापस 11 प्रिंट हो जाएगा। फिर ए प्लस प्लस 12 हो गया। तो ये इस तरह से घूमता जाएगा। अच्छा, ये कहाँ तक घूमेगा, ए की वैल्यू 10 से लेके 11 तक चलती जाएगी चलती जाएगी, ये 19 तक प्रिंट हो गया, कि 19 मैच हुआ, 19 छोटा है 20 से, ठीक है, तो 19 प्रिंट हो गया। फिर ए प्लस प्लस 20 हो गया। अब 20 को कंपेयर करेंगे, क्या 20 छोटा है 20 से, नहीं, बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स यहाँ, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 20, तो ये व्हाइल से बाहर निकल जाएगा और ये रिटर्न जीरो कर देगा। रिटर्न जीरो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने मेन का यहाँ इंट लिया रिटर्न टाइप, अगर यहाँ वॉइड लिखते तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये 10 से लेके 19 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट का ऑप्शन है,